कुछ मूवी के ट्रेलर ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इस मूवी का वेट करना चाहिए। और कुछ कुछ ऐसी फीलिंग जब ये ट्रेलर देख रहा था तो मुझे आई। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे द टुमारो वॉर मूवी ट्रेलर के बारे में, जिसे अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पर 2 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा। इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और भारत की अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी इसको रिलीज़ किया जा रहा है। और जो बेसिकली इसकी स्टोरी होने वाली है वो ये है कि प्रेजेंट और फ्यूचर को से रिलेटेड है। फ्यूचर से कुछ लोग आते हैं प्रेजेंट के अंदर, वो ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो खत्म होने की कगार पर है, मानव जाति खत्म होने की कगार पर है, तो हमें लड़ने के लिए कुछ इंसानों की या कुछ जवानों की जरूरत है, तो हमारे साथ चलिए, हम आपको फ्यूचर में लेके चलते हैं और आपकी जरूरत है ताकि आप हमारे साथ लड़ाई में साथ दे सके। जिससे यह पता चलता है कि फ्यूचर में इंसानों की संख्या कम हो गई है और बहुत ज्यादा कम हो गया, तभी उनको फ्यूचर से प्रेजेंट में आना पड़ा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो है फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, यूनिक लगा, इसलिए मैं एक्साइटेड हूं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा जब ये मूवी रिलीज होगी कि जितनी मैंने इससे उम्मीदें लगा रखी हैं कि ये मूवी उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। वैसे ये मूवी का ट्रेलर मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें फ्यूचर से प्रेजेंट में आकर लोगों को, जो जो आर्मी आती है, लोगों को प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जाती है और वहां पर नजारा दिखाती है तबाही का, वहां के जो विजुअल इफेक्ट जो दिखाए जाते हैं, लड़ाई चल रही है। वैसे इसमें लड़ाई जो चल रही है इसमें बताया जाता है कि लड़ाई जो है वो इंसानों के खिलाफ नहीं है, किसी और चीज के खिलाफ है। वो क्या एलियन है या फिर कोई मशीन है या फिर कोई और दूसरा जीव है, देखो उसके बारे में ज्यादा इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया है। और ये जो दूसरी चीज है जो इंसानों को खत्म करने की कगार पर है, बिल्कुल मतलब ऐसा समझो कि इन्होंने खत्म कर ही दिए हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो मानव जाति खत्म हो जाएगी। इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, जबरदस्त फाइट दिखाई गई है और इसके अंदर जो फैमिली का एक कनेक्शन इसमें दिखाया गया है कि एक इंसान जो है अपने परिवार के लिए जाता है ताकि उनको कुछ ना हो सके और उनका ख्याल रखा जाएगा, तो ये सब चीजें इसके अंदर दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हाँ इसके अंदर एक इमोशनल टच भी दिया गया है। और इसके मेकर्स ने जो नहीं दिखाया, थोड़ी बहुत लास्ट में झलक देखने को मिल जाती है कुछ अलग तरीके है, लेकिन उससे इतना क्लियर नहीं हो जाता कि ये है क्या, आखिर कोई एलियन है या जीव है, कुछ भी है उसके बारे में पता नहीं चलता है। शायद इसके मेकर्स इसको सस्पेंस रखना चाहते थे ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सके, इस ट्रेलर को देखकर इसकी तरफ आकर्षित हो सके और वो जानने के लिए इस मूवी को देखें। खैर मैं तो इतना जो कॉन्सेप्ट देखा था मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गई थी और जो इसके अंदर ये जो वाला कॉन्सेप्ट डाला गया, तो देखो मूवी जब आएगी तभी देखेंगे कि हाँ कितना ज्यादा प्रभावशाली रहा है या ये मूवी कितनी ज्यादा अच्छी रही है, तब जाके उसकी बात वहीं करेंगे जब ये रिलीज होगी। अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी ट्रेलर के बारे में, और आपको क्या लगता है कि कौन इसमें दिखाया गया इंसानों के खिलाफ लड़ते हुए जो इंसानों को खत्म करने पर तुला हुआ है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।